स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को 4 करोड़ 3 लाख से अधिक वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। राजधानी पटना के 70 फीट के महावीर नगर में क्षत्रिय विकास मंच द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। खगड़िया जिले के 41वें स्थापना दिवस के एक दिन पूर्व विद्यालय में छात्रों द्वारा मानव श्रृंखला बनाई गई और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुंगेर पुलिस ने बरियारपुर थाना क्षेत्र में अपराध की योजना बना रहे 6 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र से पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार, 4 मोटरसाइकिल बरामद। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र इलाके से 5 भू माफियाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सभी अपराधी पिछले कई महीने से फरार चल रहे थे। पटना के बोरिंग रोड स्थित एक जूते की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। सहरसा के प्रेक्षागृह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का एक दिवसीय उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ शुरू। भारत रत्न गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर गया स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन हुआ। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा।